हाय गाइज, मैं कमल प्रजापति सिविल इंजीनियर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कैम्स इंजीनियर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25x25 में डिजाइन किया गया एक बहुत ही शानदार हाउस प्लान जो आपको बहुत 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 ही पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम आउटर की दीवारें ड्रॉ कर लेते हैं। आउटर की सभी दीवारें 9 इंच की रहेगी, तो चलिए अपन सभी दीवारों को 9 इंच में ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सभी दीवारों को 9 इंच की ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आउटर दीवारें हैं देख सकते हैं आप। और आउटर की के बाद में अब हम इसकी जो इनर वॉल है उसको ड्रॉ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 9 इंच की जो बीच की वॉल है इसको हम बिल्ट अप कर रहे हैं। ये दो रूम की पार्टीशन वॉल हो जाएगी, ये भी 9 इंच की रहेगी। ये पूरी स्ट्रक्चर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि, तो सभी दीवारें 9 इंच की हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारी आउटर वॉल हो जाएगी। प्लान बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि देख सकते हैं आप, और इसके बाद में अब हम जो ये बाथरूम की वॉल है उसको डिजाइन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये हो जाएगी हमारी टॉयलेट की वॉल और ये हो जाएगी हमारी एक्सटीरियर वॉल जो बाहर की वॉल है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद में है जो रिमेनिंग वॉल है उनको भी हम बना लेंगे। और ये जो वॉल है ये बेडरूम की वॉल है, इसकी भी हम थिकनेस 9 इंच की दे देंगे। सभी वॉल हमारी 9 इंच की हो जाएगी। ये हमारी किचन हो जाएगी बाहर की ओर, एल शेप में किचन हमने इसमें बनाई है। हाइट इसकी प्लेटफॉर्म की 33 इंच रहेगी। और एक्सटीरियर वॉल हम किचन की भी बिल्टअप कर लेते हैं, इसकी भी थिकनेस हम 9 इंच दे देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम टॉयलेट की भी बाहर वाली वॉल बिल्टअप कर लेते हैं, इसकी भी 9 इंच की चौड़ाई रहेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि आपके पास भी टाइम टू टाइम मेरे वीडियो पहुंच सके। और इसके बाद में हम बेडरूम के भी दरवाजे काट लेंगे इसमें से। दरवाजे की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई रहेगी 3 फीट 4 इंच। इनके जो गेट हैं उनकी चौड़ाई रहेगी, देख सकते हैं आप। तो ये किचन का दरवाज़ा हो जाएगा हमारे, और ये 3 बेडरूम वाला घर है दोस्तों। प्रत्येक रूम में अच्छी वेंटिलेशन की सुविधा है क्योंकि जो हमारा प्लॉट है चारों तरफ से ओपन है, इसलिए इसमें अच्छा खासा वेंटिलेशन दिया गया है जैसा कि आगे हम देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा 1st बेडरूम है, और ये जो इसके पास वाला बेडरूम है ये हमारा 2nd बेडरूम हो जाएगा। और जो हमारे ये पीछे वाले बेडरूम है, दोनों दोनों की सेम साइज है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, बाकी इनकी दोनों सेम साइज के रहेंगे। और ये जो बेडरूम है हमारा, इसकी साइज थोड़ी इनसे कम है। अगर हम इसमें बेडरूम नहीं बनाना चाहें तो इसको पूरा होल छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे एक इसमें होल हो जाए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और ये टॉयलेट के बाद में एक हमारा किचन हो जाएगा जो कि एल शेप वाला किचन है। और किचन के बाद में आ जाएगी हमारी स्टेयर। स्टेयर की जो चौड़ाई है वो 3 फीट है, और इसका ट्रेड जो है 10 इंच का रहेगा, और राइजर अकॉर्डिंग टू योर बिल्डिंग हाइट के हिसाब से रहेगा। और जो स्टेयर की लैंडिंग है वो बिल्डिंग प्लान एरिया के 3.5 फीट बाहर निकली रहेगी, यानी कैंटिलीवर निकलेगा इसमें। और दोस्तों, ये लग गई हमारे वेंटिलेशन के लिए विंडो। विंडो की साइज़ 4 फीट बाई 5 फीट है। और अब हम लगा देंगे टॉयलेट की विंडो। टॉयलेट की विंडो की साइज़ की बात करें तो टॉयलेट की विंडो हमारी 2x2 की रहेगी जैसे कि देख सकते हैं आप। और जो विंडो का सी लेवल जो रहेगा वो 3 फीट रहेगा, जो भी रूम की विंडो है उन सब का। और हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 11 फीट चौड़ा हमारा बेडरूम है, 11 फीट 9 इंच दूसरा बेडरूम है,
चौड़ाई 10 फीट 3 इंच रहेगी इनकी, और 7 फीट 9 इंच हमारा बेडरूम ये हो जाएगा। टॉयलेट 4 फीट चौड़ा रहेगा हमारा, 7 फीट 8 इंच लंबाई रहेगी टॉयलेट की, 6 फीट 11 इंच हमारा किचन रहेगा, 5 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, और 6 फीट चौड़ाई हमारा स्टेयर केस रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, स्टेयर की जो चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट चौड़ी हमारी स्टेयर रहेगी, और जो गेट है इनके 3 फीट 4 इंच के रहेंगे। गैलरी जो मिल रही है वो 7 फीट 5 इंच की गैलरी जो मिल रही है हमें बीच में। तो दोस्तों ये था हमारा प्लान 25x25 का, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।